हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नो द रियल आर्ट में। मैं पूनम शर्मा आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी बुशेज बनाना, जो कि हमारे लैंडस्केप का एक बहुत ही ख़ास एलिमेंट है। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 शेड्स लिए हुए हैं, रेड, डार्क ग्रीन, ब्लैक एंड येलो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने इन्हें प्लेट पर निकाल लिया है और हमें इसके साथ साथ पानी, एक बाउल में पानी की भी ज़रूरत है। साफ पानी हमने ले लिया है और एक कॉटन का कपड़ा आपने अपने हैंड पर रखना है, यानी हमें कपड़े की भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन, येलो और ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। सबसे पहले मैं डार्क ग्रीन में ब्लैक शेक करके इसको, इसकी डार्कनेस को बढ़ा लूँगी इस तरह से। अब ये डार्क ग्रीन हो गया है और हमें अपने ब्रश को इस तरह से स्टैंडिंग में इस तरह से रखना है और इस तरह से हमें टचेस लेने हैं। हमें इसे प्लेन नहीं करना, बस स्टैंडिंग ब्रश इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हमें टचेस लेते जाना है। बीच में जो वाइट वाइट आप डॉट्स देख रहे होंगे, इन्हें इसी तरह से आपको बीच बीच में छोड़ना है। जब तक हमारे ब्रश में से कलर आता रहेगा, हमें अपने टचेस लेते रहना है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पर पानी मैंने लिया है ब्रश में और ब्रश को कपड़े के साथ थोड़ा सा मैंने ड्राई भी किया है और इस तरह से अपने किए हुए टचेस के ऊपर वाले हिस्से में हमें अब पानी के साथ जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से हमें टचेस लेना है। कहीं पर भी फ्रेंड्स, हमें अपना जो ब्रश को इस्तेमाल करने का ढंग है वो चेंज नहीं करना है। डार्क ग्रीन शेड इसी तरह से लेते हुए मैं इसे बुशेस को अपने आगे वाले हिस्से में भी बढ़ा रही हूँ पेपर पर। अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन कलर डायरेक्ट लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी थिक कलर यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने पानी शेक करके इसे थिन कर लिया है, पतला कर लिया है और अपने डार्क कलर के ऊपर वाले हिस्से में हमें इसे इस्तेमाल करना है। सेम पहले की ही तरह टचेस लेते हुए डॉट्स में, और हमें इसे प्लेन नहीं करना है। इस तरह से उसके बाद नीचे के सिरे पर हमें इसके नीचे वाले जो स्पेस है उसमें हमें इस तरह से लाइन दे देनी है और पानी के साथ हमें इसे फैला लेना है। हमें इसे भी प्लेन नहीं दिखाना है। आगे पीछे ब्रश देखिए, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें अपना ब्रश आगे पीछे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही इस्तेमाल करना है। एक ही बार में हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना ब्रश नहीं यूज़ करना है।
नीचे की ओर डार्क कलर ही रखें इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ग्रीन में येलो शेक कर रही हूँ। ग्रीन हमें प्योर लेना है, अब इसमें हमारा ब्लैक कलर ऐड नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने थोड़ा सा साइड से ग्रीन कलर ले लिया है, जिसे कि मैं येलो में मिला करके उसे लाइट ग्रीन मेरा यहाँ पर बन चुका है। और अब मैं इसे अपनी ब्रशेज के लाइट वाले हिस्से पर इस्तेमाल करूँगी। लेकिन उससे पहले हमें एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो यह है कि हमें यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक कंटिन्यू नहीं करना है, हमें अपने ब्रशेज के कुछ ही हिस्सों पर इसे टचेस को देने हैं। इस तरह से देते हुए कलर हमें इतना लाइट बनाना है जो हमारे जो डार्क स्पेस है उसमें भी अच्छे से जब हम यूज़ करें तो नज़र आए। सेम ब्रश का हमारा पहले जैसा ही ढंग रहेगा, हमें छोटे छोटे डॉट्स ही इस्तेमाल करने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हमें बड़े बड़े डॉट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, ब्रश को स्टैंडिंग ही पकड़ना है, तभी हमारे जो डॉट्स हैं वो बिल्कुल बुशेज जैसी लुक हमें दे पाएंगे। इस तरह से लाइट स्पेस में हमें अपने लाइट ग्रीन कलर को इस्तेमाल करना है। जहाँ पर आप वाइट डॉट्स बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब हमें इसे भी इसी तरह से कवर हम इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंड पर भी हम अपना येलो शेड इस तरह से लाइट ग्रीन जो हमने मिक्स किया है वो टचेस दे देंगे। उसके बाद ये मैंने पहले वाला जो हमारा डार्क शेड तैयार था उसी को लिया है, और इस तरह से हमें छोटे छोटे स्लिपिंग लाइंस के स्ट्रोक्स हमें इसमें देने हैं। उसके बाद पानी मैंने यहाँ पर बाउल में डायरेक्ट पानी में ब्रश डिप करके उसे अपने कपड़े से सुखा लिया है, और जो लाइंस हमने स्ट्रोक्स लिए हैं थोड़ा सा उसको हम उसी डायरेक्शन में चलाते हुए अपने ब्रश को मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बहुत ही बारीक नंबर का ब्रश लिया है, 2 नंबर का यह है राउंड ब्रश है। इसे इस तरह से हमें ये डार्क ग्रीन कलर लेना है जो हमारे पास पहले से बना हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर शेक करूँगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर शेक कर लिया है। और ब्लैक भी इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे।
तो डार्क ब्राउन कलर ही हमारे पास शेड तैयार हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने यहाँ पर कुछ जो ब्रांचेज होती हैं बुशेज में, कंटीली झाड़ियाँ लाइक जिसे हम बोलते हैं, उसे शो करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से नीचे से देना है। लेकिन हमें कंटिन्यू फ्रेंड्स अपने ब्रांचेस को यहाँ से नहीं दिखाना है, बीच में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टच लिया है, डार्क होने की वजह से शायद आपको यह कम ही नज़र आ रहा होगा। मैं इसे क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टच लिया है। हमें इसी तरह से टच लेना है, उसके बाद कुछ स्पेस, कुछ जगह हमें छोड़ देनी है और इस तरह से हमें फिर आगे बढ़ाना है। और लाइंस का ध्यान रहे, हमें बहुत ही बारीक थिन लाइंस ही लेनी है, यदि हमारी लाइंस बहुत ही मोटी आ रही है तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से बीच बीच में से कहीं कहीं पर हमें ये दिखाना है, इस तरह से। इसी तरह का सेम वर्क हमें यहाँ पर भी करना है। इस तरह से ये ऊपर की हमारी जो ब्रांचेस है वो लाइट आए तो उसे लाइट ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर लाइट शेड ब्रश में लिया है, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उसी को हमें लेना है। इस तरह से लाइट शेड ले लिया है और हमारी जो ब्रांचेस का ऊपर का सिरा है हमें इसको लाइट कलर से बढ़ाना है। हमारी ब्रांचेस बनने के बाद हमें अपने बारीक ब्रश से जो हमने लाइट शेड इस्तेमाल किया था उसी शेड को हमें इस तरह से अब टचेस में लेना है और बारीक बारीक लेव्स हम अपने निकाली गई ब्रांचेस में भी इस तरह से दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स याद रहे हमें जो ब्रांचेस का कलर है ऊपर लीव्स बनाने के लिए वो लाइट ही लेना है, वो बिल्कुल भी हमें डार्क नहीं रखना। इस तरह से हम अपनी सारी ब्रांचेस को कवर कर लेंगे, छोटे छोटे ब्रश। इस ब्रश को इस्तेमाल करने का भी वही सेम ढंग है, ब्रश को आपको स्टैंडिंग करके पकड़ना है, हमें ब्रश को इस तरह से लेटाना नहीं है। इसे मैंने बिल्कुल खड़ा करके पकड़ा हुआ है और बिल्कुल इस तरह से टचेस मैं ले रही हूँ डॉट्स में, और डॉट्स आपस में एक दूसरे से टच हो जाएं तो कहीं कहीं पे हमें इस बात का भी ध्यान रखना है और कहीं कहीं पे हमें डॉट्स के बीच में स्पेस को भी बनाए रखना है।
इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हमारा बुशेस बनाना बहुत आसान हो जाता है। और पेंटिंग में हम लीव्स वगैरह को इसी तरह से दिखाते हैं। अपनी सभी ब्रांचेस को हम इसी तरह से कवर कर लेंगे। ऊपर की ओर हम जहाँ पर हमने लाइट लीव्स बनाई हैं, हम लाइट शेड्स ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कुछ येलो कलर मैंने लिया है और किए गए लीव्स के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा टचेस हमें येलो का भी दिखाना है। फ्रेंड्स, बीच में हमें जहाँ पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा लाइट शेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हमें ज़्यादा भी लाइट कलर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लीव्स इकट्ठी हो जाने की वजह से नीचे से जैसे कि सारी बुशेज ये उगी हुई हैं तो नीचे डार्कनेस का होना ज़रूरी है। इस तरह से बाकी का अपना लैंड में भी हम इस तरह से उन्हीं शेड्स के साथ इस तरह से थोड़ा सा ब्रश को आगे पीछे इस्तेमाल करते हुए अपनी लैंड्स को इस तरह से दिखा सकते हैं। पहले हमें लाइट जिस तरह से हमने किया था वैसे ही करना है, उसके बाद ही हमें कोई भी डार्क कलर है वो बाद में इस तरह से इस्तेमाल करना है। इसी तरह के लाइट टचेस लेते हुए अब हमने अपने ब्रशेस को कंप्लीट कर लिया है। बुशेस के पास लैंड को भी हम थोड़ा सा इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बुशेस जिसे हमने बनाया है वाटर कलर से। शेड हमने डार्क ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड येलो इसमें यूज़ किया है और आप देख सकते हैं बहुत ही रियल लुक इसमें आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और आसान वीडियोस देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन दिखाई देगा उसे प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।